वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज का ये वीडियो क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक समझेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। इसके पिछले सेशन में मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट समझाए थे, आज समझेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जहां होता है उसी को हम पावर प्लांट किसका हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। क्लियर? देखिए, अभी एक करंट टॉपिक होता है, जैसे आपने मेधा पाटेकर का नाम सुना होगा, न्यूज चैनल पर आप अखबार में बार बार देखते होंगे, नर्मदा बचाओ अभियान। तो मेधा पाटेकर जी का क्या सेंस है? उनका सेंस ये नहीं है कि बिजली नहीं बनाना है, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं और नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया जा रहा है उससे जो पावर प्लांट हाइड्रो से वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं उसको हम इसी में समझेंगे। और शायद आप समझ जाएंगे कि नर्मदा पाटेकर, मेधा पाटेकर क्यों जो है नर्मदा बचाओ अभियान में लगी रहती है। तो देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में होता क्या है, तो रिवर के किनारे बिग डैम बना दिया जाता है ग्रेट हाइट पर, जिसमें हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो जब वाटर उसमें स्टोर होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है और उसमें एक स्वेज गेट होता है। जब पानी को नीचे गिराना होता है उसमें से पानी को हम नीचे गिरा सकते हैं, तो गेट को खोल दिया जाता है। तो गेट को जब खोलते होंगे तो हाई वेलोसिटी से पानी ग्रेट हाइट से क्या होता होगा, नीचे गिरता होगा। तो उस प्रोसेस में क्या होता होगा कि स्वेज गेट को खोलने से पहले उस वाटर में पोटेंशियल एनर्जी होता है, बट जैसे हम स्वेज गेट को खोलते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। ऊपर काफी हाइट से वो नीचे की तरफ गिरता है, तो जहां गिरता है वहां पर टरबाइन लगाया रहता है। सब में यही कंसेप्ट है, टरबाइन लगाया रहता है। ग्रेट फोर्स से, ग्रेट इम्पल्स से क्या होता है, वो पानी जो है ना उस टरबाइन पर फॉल होता है और उसमें इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है कि वो टरबाइन को रोटेट कर देता है। जब टरबाइन रोटेट होता है तो उसमें जो शाफ्ट अटैच होता है वो भी रोटेट होने लगता है, फिर शाफ्ट डायनेमो के जनरेटर के एक्सल को रोटेट कर देता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या बिजली बनने लगती है। तो अब यहाँ है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में पहले नदी के किनारे ग्रेट हाइट पर बड़े बड़े बिग डैम बनाया जाता है। जब उसमें पानी स्टोर होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब ग्रेट हाइट से पानी को गिराया जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। वो पानी गिरता है टरबाइन पर, टरबाइन फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो यहाँ आप देखिए कि वाटर से हम क्या इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, इसीलिए इस प्लांट का नाम क्या पड़ा, हाइड्रो पावर प्लांट। लेकिन ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसमें मेरिट भी है। तो मेरिट क्या है कि हाइड्रो पावर प्लांट किस पानी पर काम करता है, नदी के पानी पर, जो कि वाटर का ऑलरेडी साइकिल चलता रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाटर का रिन्यूअल होता रहता है, इसलिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर काम करता है, वाटर का स्कार्सिटी नहीं होता है। अब आप कह रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं, वाटर का स्कार्सिटी नहीं है। आप जानते हैं कि पूरे पृथ्वी का 75% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर है, वाटर की कमी नहीं। आने वाले समय में इतने पानी होंगे तब डूब के मर जाएगा, ठीक है। तो अब कल्पना कीजिए कि पानी को उतना लार्ज अमाउंट में जब गिराया जाता होगा तो जो लो लैंड होता होगा वहां पर पानी क्या कलेक्ट हो जाता होगा। अब वहां पर जितने भी एक्वेटिक जो है ना लाइफ बनता होगा कैसे, तो जो मान पहले तो टेरिटोरियल था, अब पानी जम गया उसमें सारे पेड़ पौधे जीव जंतु सब क्या उस पानी में सबमर्ज कर गया। अब सबमर्ज करने के बाद क्या होगा, वो रॉटेन फॉर्म में आएगा, गलेगा, सड़ेगा। तो सड़ने गलने के बाद
वो मार्सी लैंड बन जाता है और मार्सी लैंड से मीथेन गैस रिलीज करता है जो कि मीथेन गैस बहुत हार्मफुल होता है। तो हम जब कहेंगे कि इसके क्या मेरिट है हाइड्रो पावर प्लांट का, तो मेरिट यह है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर काम करता है, इको फ्रेंडली है। ठीक, डिमेरिट भी उसी तरह से है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए जहां पर हम डैम बनाएंगे उसके अगल बगल में जो हैबिटेट होगा, जो लोग रहने वाले होंगे, उसको कहीं ना कहीं आप शेल्टर पहले देंगे। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे ग्रेटर चैलेंज प्रॉब्लम ये होता है कि उसको शेल्टर कहां दें, क्योंकि लिमिटेड एरिया है। तो गवर्नमेंट के साथ चैलेंज हो जाता है कि उसको शेल्टर प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। उसके जितने भी खेत होते हैं, खेत में जितने भी पेड़ पौधे सब लगे होते हैं, अनाज लगे होते हैं, सब पानी में क्या सबमर्ज कर जाता है, तो उसको काफी फसल का क्या नुकसान होता है। जब वो प्लांट सब जब सबमर्ज करके रॉट करता है तो मीथेन गैस रिलीज होते हैं, तो वहां पर क्या एक महामारी फैल जाती है, वहां के लोग जो है हेल्थ से भी क्या इफेक्टेड हो जाते हैं। तो हम हाइड्रो पावर प्लांट को जनरेट करते हैं, लेकिन ये जो समस्याएं हैं, उसको शेल्टर देना, उसके फसल को जो है ना बचाना, इकोसिस्टम को बचाना, ये अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो नो डाउट हाइड्रो पावर प्लांट बहुत अच्छा है। लेकिन खैर हमको उससे नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है, इसके क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या डिमेरिट्स हैं और हाइड्रो पावर प्लांट को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है। तो आप इसके डिमेरिट्स में देखिए, आप बता सकते हो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट, द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेस। उसमें हम सब जगह बना नहीं सकते ना, क्योंकि सब जगह नदी नहीं है, जहां नदी है वहीं बन सकता है। लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सैक्रिफाइस्ड एज दे गेट सबमर्ज, इको लार्ज सिस्टम आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज अंडर द वाटर इन डैम्स, द वेजिटेशन व्हिच इज सबमर्ज रॉट्स अंडर एनएरोबिक कंडीशंस, मतलब को सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है, एंड दिस गिव्स राइज टू द लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस which is also called greenhouse gas, ठीक है, and it creates the problem of satisfactory rehabilitation of the displaced people, मतलब वहां से जो लोग भाग गए थे पानी के डर से, अब उन लोग को शेल्टर कहां देंगे। So opposition of the construction of Tehri dam on the river Ganga and Sardar Sarovar project on the river due to the such problems, इसीलिए जो है ना पाटेकर जी नर्मदा बचाओ अभियान पर काम कर रही है कि सरकार पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो फिर हम इसका स्वागत करेंगे, ये अच्छा कदम है, बट हम इसके चक्कर में हम दूसरे को विस्थापित ना करें, दूसरे को प्रॉब्लम्स ना दें। तो आज के हम इस वीडियो में इतना समझे, फिर अगले में हम लोग फिर बायोमास समझेंगे। थैंक यू।